Grow organic vegetables for three years. <laughs> I, think, I think in this, uh, when, when, I, when you respond to the film this way, I think that this is our triumph that what a movie like this expects to do is to jolt you. As they say, a good film uh, jolts the comforted and comforts the jolted. So this film is jolting the comforted. And I think if you can wake up and empathize with those people, then I think the job is done because cinema.

जो एक बिजनेस की जो पुटे, का पोटेंशियल है इतना ही है उससे ज्यादा हो जाए तो बल्ले बल्ले हम तो बड़े खुश होंगे मगर ये बहुत सही सवाल पूछा कि ये अपना जिस जिन इलाकों में हंसल ने पत्रलेखा ने और राज ने शूटिंग की है उस मुंबई में हम सब जीते हैं, मगर हम जाते हैं हम खुद नहीं जाते वहां पर और वहां पर जाकर ऐसे सीन शूट करना और ऐसे इमोशनल ऐसा इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करना अपने आप में एक रहस्य है इट्स अ और मैंने यही देखा है कि जब फिल्म मेकर में वो डिसकंफर्ट झेलने का मादा नहीं होता उस उसी वक्त उसके अंदर बुरी फिल्म बनने की एक काबिलियत आ जाती है तो आई थिंक द रीजन वाई दिस फिल्म इज एक्सेप्शनल इज बिकॉज ईच वन ऑफ थ्रू फिजिकल डिस्कम्फर्ट और उसको उन्होंने ओढ़ा नहीं था उनको लगा था कि और उनको कहीं

दो जनरेटर और ट्रक्स आती है तो जैसे वो लोग इंटीमीडिएट होते हैं तो हमारी शूटिंग भी मतलब वैसी हो जाती है इंटीमीडिएटरी और इट स्टार्ट्स प्लेइंग अपॉन योर माइंड कि आप लोगों के घरों में आपने सेट बना दिया तो आप मतलब फिर स्टूडियो में सेट ही बना लो यू आर गोइंग देर यू नीड टू बी इन स्पेस लाइक दम ताकि वो परेशान ना हो आपसे और आप अपना काम सुकून से कर पाए यहाँ पे राजकुमार एनी पर्टिकुलर सीन वेर इन द क्वेश्चन विच आई आस्क कि ऐसा कोई पर्टिकुलर हार्डशिप आपको सहन करना पड़ा ऑन पर्सनल बेसिस एंड ऑन द कॉन्ट्री हंसल जी को मुझे पूछना है कि वेर देर एनी स्टार्ट एंट्रम्स विद जनरली सेलिब्रिटीज डू थ्रू ओ या मैं तो बहुत एंट्रम दे देता हूँ इनको एक्चुअली वन पर्टिकुलर सीन जो आई डोंट ड्रिंक मैं रियल लाइफ में मैं पीता नहीं बट इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पर बहुत ही इमोशनल सीन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म का जहाँ पे ये दीपक जो है वो दारू पी के घर आता है तो मैंने आई टोल्ड हिम कि सर मैं एक्चुअली यू नो आई वांट टू ड्रिंक आई वांट टू फेक इट वो अगर उसमें अगर एक पैसे की भी फिकनेस आ गई तो सीन वर्क नहीं करेगा तो ई सेट ओ के स्टार्ट वॉट यू हैव आई आई हैव नो आइडिया यू टेल मी योर एक्सपीरियंस तो वी स्टार्ट विद बॉड का कुछ नहीं हुआ मैं ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है मैंने अपना प्रिंसिपल भी थोड़ा दारू पी पी और कुछ हो नहीं रहा है आई हैड टू मोर एंड सडनली हिट मी एंड आफ्टर फाइव सिक्स आई वॉज गॉन तो वो सीन ऐसा था कि वो मैं चल के आता हूँ सीढ़ियों से ऊपर कुछ थर्ड तीन फ्लोर तक तो so, मेरे आसपास कुछ सात आठ लोग थे कि मैं बहुत रंग था आई आई हैड नो कंट्रोल माई बॉडी दैट टाइम और वो नीचे एकदम गहरा एट फ्लोर पे हम लोग शूट कर रहे थे टेंथ पे और नीचे एकदम अगर गिरता तो नीचे जाता मैं तो आई थिंक वो फिजिकली काफ़ी टफ रहा मेरे लिए सी, वो सीन क्योंकि आफ्टर द आफ्टर पैकअप ओनली आई नू कि मैं कैसे मैंने कितना निकाला और क्या रहा <laughs> सिर्फ उसके लिए टफ नहीं था हमारे लिए भी बहुत टफ था वो मतलब हम हम उसको नीचे ले जाते थे सबको धक्का मारता कि मैं, मैं 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 जा, वो वो मतलब सीन के बाहर जो था था सुपरमैन बन गया महेश जी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मुंबई में बेसिकली शूटिंग करना कि, कितना डिफिकल्ट था बिकॉज जनरली शूटिंग के यहाँ पे कंस्टेंट बहुत आते हैं तो प्रोडक्शन लेवल पे कितने डिफिकल्टीज इस फिल्म में बिल्कुल मुश्किल नहीं था <laughs> क्योंकि बड़ी फिल्में जो होती हैं जिसमें बड़े स्टार्स होते हैं और जिनके अंदर जनरेटर्स और फिर वो जिमी जीप की एक वैन होती है फिर वो एक पूरा काफिला होता है कि एक्स वाई जेड भी है सब मेकअप वैन जो होती हैं तो उसके लिए बहुत एक कम्फर्ट एक स्पेस होती है और वहाँ लोगों को अवसर भी मिल जाता है कि आपसे पैसे मांगे बाजू में घूस ये तो खुद इनविजिबल लोग थे इन्होंने वहां पर उन लोगों को एहसास ही नहीं दिलाया कि वो शूटिंग कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे सीन जो इन्होंने शूट किए हैं जहां पर ये नौकरी मांगता है कि जो लोग थे उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली शूटिंग हो रही है पर सो इट इट द द काइंड ऑफ सिनेमा दैट टू शूट इन डॉन ऑफ आ करियर जिस तरह अर्थ का हमने शूटिंग हमारे घर में की थी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी सारांश की शूटिंग हमारे शिवाजी पार्क में घर में की तो ये सब ऐसी फिल्में होती हैं ये उन लोकेशंस पे बनती क्योंकि वो एक इनविजिबल जो डायमेंशन होता है वो रियलिस्टिक जो स्पेस होती है वहीं पर वो जज्बात भी पॉसिबल होते हैं और वो कंफर्टेबल स्टूडियो एनवायरनमेंट में क्रिएट करने से आप स्किल्ड परफॉर्मेंस दे सकते हैं कुछ पैसे चाहिए पहले डेब्यू में आपके मुंह से निकल ही नहीं सकता है पत्रलेखा के जब तक अपने आप को वो पूरे उस माहौल में डाले नहीं और वो एहसास को महसूस नहीं करे तीन महीने जाकर रहे तीन हफ्ते रहे थे वहां पर राजस्थान में राजस्थान में दोनों जाके रहे थे वहां के तौर तरीके वहां के घरों के आ, का जो अपना बोलने का अंदाज उनके कल्चरल जो लाइफ को समझिए उन्होंने समझा था और फिर ये बातें यहां बोलो तो लगता है कि क्या भैया क्या, क्या कुछ नोबेल प्राइज लेने जा रहे हो क्या तो एक सेंसिज्म है यहाँ पर क्योंकि आपकी आपके सपने वहीं तक सीमित है कि ओपनिंग वीकेंड क्या है यहां पर कुछ पाक साफ सपने कुछ हमारे पाक साफ लोग

और हमने एक बस को हाथ दिया वो सच में रुक गई है तो, तो सच में रुक गई <laughs> तो हमने कहा अब तो रुक गई है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते तो हम वाकई उसमें चढ़ गए और इतना टाइम नहीं था कि पहले तुम चढ़ो कि अगर वो बस वाला निकल गया तो फिर से रीटेक के लिए नई बस कहाँ से लाएंगे <laughs> तो हम वाकई वो असली की बस है हम चढ़ गए उसने कहा कहाँ जाना है तो हमने कहा कि हमको अगले स्टैंड पे छोड़ देना तो जगह टिकट लो तो हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम सच में जेब में तो हमने कहा वो हमारे आगे प्रोडक्शन वाले खड़े हैं वो दे देंगे मैं पूछ रहा था

सिटी लाइट एक अर्बन फिल्म जो कंज्यूमर है उसको भी इंट्रीक करेगा अगर इसको हम एक रूरल ही एक आ, फिल्म का टाइटल दे देते तो वो पैसे पैसे एपेथेटिक है वो दूसरों के प्रॉब्लम से जूझते नहीं बोलते हमारी फिल्म नहीं है ये कुछ कुछ गरीब लोगों की फिल्म है बस सिटी लाइट्स जब आप कहते हैं और हम कहते हैं भैया है, देखो ये प्रॉब्लम आपकी है तो ना चाहते हुए भी इस प्रॉब्लम से जूझते तो एक टू जोर्ज दी The city consumer. I, that's why I keep on saying City Light is the film for every city in India. Uh, Vijay. आप सब लोग लेफ्ट में देखिए